केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती बहाली के लिए नए नियम लागू किए गए हैं और इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से सेना की बहाली कर रहे छात्रों में उबाल है और देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। सबसे सॉफ्ट टारगेट रेलवे को बनाया जा रहा है, ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही है, पटरी पर धरना और प्रदर्शन का दौर जारी है। इस सब के बीच छात्र संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और कई विपक्षी पार्टियां उसका समर्थन कर रही है। भारत बंद के मद्देनज़र दुमका प्रशासन और रेलवे अलर्ट मोड में है। दुमका रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ट्रेनों का परिचालन अन्य दिनों की भांति आज भी सामान्य रूप से जारी है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ हो या जिला बल, सभी दुमका रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। यात्रियों पे पैनी नज़र है कि यात्री के रूप में असामाजिक तत्व प्रवेश कर तोड़फोड़ ना करें। वैसे अभी तक कोई भी बंद समर्थक दुमका की सड़कों पर नज़र नहीं आए हैं। शहर की दुकानें भी अमूमन खुली हुई नज़र आ रही है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसको लेकर करके दुमका पुलिस सावधानी से हर जगह जो है कि निगरानी रखे हुए है। और प्रत्येक बस स्टैंड रहे, रेलवे स्टेशन रहे, कुछ भी उस तरह का चिन्हित जगह है, हर जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हम लोग खुद हर जगह मूव कर रहे हैं। हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक किसी तरह का अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और उम्मीद है कि आगे भी किसी तरह की घटना नहीं। इस योजना का लागू होगा और इसके तहत अग्निवीर बहाल होंगे, यह अलग बात है, लेकिन जो विरोध जारी है, यह विरोध का दौर कहां तक जाएगा यह देखना दिलचस्प है। लेकिन इस सब के बीच आज दुमका में भारत बंद का कोई वैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।